कक्षा 11वीं वितान सहायक वाचन आलो अंधारी के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसके जो लेखक हैं बेबी हल्दार, इन्होंने जो कामकाजी महिलाएं होती हैं जिनके घर मकान नहीं होते हैं, वह अपना गुजारा कैसे करती हैं, बच्चों को कैसे पालती और पोसती हैं, उनकी परवरिश कैसे करती हैं, उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने इसका वर्णन किया है। मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं अब अपने किराए के घर में थी। उस समय सोचती रहती थी कि काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा, पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। डेढ़ सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों के बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोसी की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला। फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढूंढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातों की अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। मेरे साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, क्या अब तक उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा, मुझे इस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 1-2 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला। मैंने कहा, नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ, तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहां पर कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बैल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना मैं इसे ले आया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो। मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ तो औरत काम करती है, उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसे के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा। उन्होंने कहा,
जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना बाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी, तो मुझे लगा वह पैसे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई, दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे, मुझे देखते ही वह भीतर आए। उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझसे भीतर ले गए और समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते थे। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो, कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधाएं नहीं होती, क्योंकि बचपन से मैं अभ्यास है, बचपन से ही मैं बिना माँ के रह रही हूँ। मेरे बाबा भी उस समय घर पर नहीं होते थे, इस कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। इस बीच बीच में मैं साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। मैंने कहा, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ लेकिन वैसा संयोग कहाँ है, फिर भी चेष्टा करूंगी कि बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर जाने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ ना कुछ खाने को, बच्चों आलू अंधारी वो पाठ है बेबी हल्दर ने जो अपने शब्दों में लिखा है, एक अकेली महिला जो कामकाजी है जिसका कोई नहीं है, दो बच्चे हैं, वो समाज में कैसे रहती है, समाज और अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने भोजन की व्यवस्था के लिए वो कितना मेहनत करती है, कितना संघर्ष करती है, उसके बारे में लेखक ने इस पाठ में जो वर्णन किया है वो मैंने आपको बताया समझाया। इसके बाद आगे मैं नेक्स्ट जो पीरियड होगा इस संबंध में मैं आगे पढ़ाऊंगा। और मैं राकेश पांडे आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।